सो गैस किरण इंग्लिश 16,950 आप लोगों को चल रहा है टारगेट एसएससी एग्ज़ाम 2024 को लेकर के, जिसमें आप लोगों को जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेनो का, सीजीएस का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का या अदर ए वाई जेड कोई भी एग्ज़ाम आपका है जिसमें आपका इंग्लिश आपका आना है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ही शानदार रहने वाली है। बुक से मतलब ये है कि मुराद के पी वाई क्यूज़ अगर आप कर लें और इस तरह से जिससे हम करा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिलने वाला है गाइस। यस, तो उन चीज़ों को समझना आपको खाली और बस सब कुछ आपके अंडर में होगा। यस, तो यहाँ हम लोग अभी चला रहे हैं फिलहाल सर टाइप वन, और टाइप वन का दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 की। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी अपनी। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको 50 तक के क्वेश्चंस कवर करवा चुका था। यस, पहली वीडियो में 20 वीडियो थे, दूसरी वीडियो में पहली वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, दूसरी वीडियो में 30 क्वेश्चन थे, तीसरी वीडियो में हम लोग यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन का एक सीक्वेंस बना देंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज हम 51 से 75 तक के क्वेश्चन की। ओके गाइस, तो ज़रा ध्यान से समझना, खूब अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको आराम से। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा, कोई रूल अगर आपको लग रहा है कि मेरे लायक हो, मतलब मुझे नहीं पता है रूल, तो लिख लीजिएगा। वैसे तो देखिए कायदा तो यही बैठता है कि आप हर रूल को लिखिए, तभी चीज़ें आपके कब्जे में आएंगी। यस, बाकी तो आपकी मर्जी, जैसा भी आप करना चाहें। पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का, कह रहे दिस इज़ द फर्स्ट कार फॉर अवर नेबरहुड मिस्टर शर्मा हु हैज़ अ हार्ड टाइम बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर। तो ये पहली कार है हमारे नेबर मिस्टर शर्मा की, दिस इज़ द फर्स्ट कार गाइस, ये पहली कार है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि उसने आपको एक प्रपोजिशनल एरर दे दी है, दिस इज़ द फर्स्ट कार ऑफ अवर नेबर, हमारे नेबर की, नॉट अवर नेबर के लिए। अगर यहाँ पर आप फोर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने या किसी और ने उसको गिफ्ट किया है, जबकि उसने खुद से अपनी हार्डशिप को, अपने संघर्षों को कंट्रोल करते हुए, खर्चा कम करते हुए, पैसा जोड़ते हुए कार ली है, जिससे कि जैसे मुझे आगे पता चला है जा करके। यस गाइस, तो दिस इज़ द फर्स्ट कार ऑफ आवर नेबरहुड, तो यहाँ पर आपका ऑफ होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस का लेटर था। दूसरी बात, यहाँ पर नेबरहुड भी नहीं, आप यहाँ पर सिर्फ नेबर करें तो अच्छा होगा। यस, नेबर मतलब पड़ोसी। यस, दिस इज़ द फर्स्ट कार ऑफ आवर नेबर, ये पहली कार है हमारे पड़ोसी की। नेबरहुड का मतलब होता है गाइस पड़ोस, पड़ोस मतलब जो भी आसपास का सभी एरिया वो सब पड़ोस में आता है आपके, चाहे उस पड़ोस में आपकी कोई परचून दुकान है, अस्पताल है, डॉक्टर दुकान है, कॉस्मेटिक की शॉप है, कुछ भी हो, सब आपके आस पड़ोस का एरिया है वो सब। यस, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो है दोनों नाउन ही, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मीनिंग को लेकर के यहाँ डिफरेंस बैठ जाएगा जा करके। तो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट कार ऑफ एवर नेवर होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकोगनाइजेबल, स्नो की वजह से जो है मार्क्स जो है दिखाई नहीं दे रहे। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, कह रहे ड्यू टू द स्नो, ये तो खत्म होगी बात, द मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स के मतलब दो होते हैं, ज़रा समझना ध्यान से। पहला मार्क्स होता है चिन्ह, कोई निशान वगैरह डल जाए कहीं पे तो मार्क है, जैसे कि मैं यहाँ डाल दूँ नो के ऊपर मार्क्स, ये मार्क है। दूसरा मार्क्स होता है गाइस अंक, जो आपको स्कूल वगैरह में मिलते हैं मार्कशीट वगैरह पे, उसी से बनाया मार्क्स शीट। यस, तो अंक होता है। अब यहाँ पर मार्क का मतलब अंक तो कम से कम नहीं है, तो ड्यू टू द स्नो जो मार्क्स दिखाई नहीं देते, तो मतलब बर्फ़ की वजह से जो मार्क्स दिखाई नहीं देते, तो मार्क्स का चिन्ह वाली बात कर रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर लगा हुआ कहीं पे, क्या भाई मसूरी 20 किलोमीटर दूर रह गया है या हिमाचल 30 किलोमीटर दूर रह गया, तो बर्फ़ की वजह से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये वो वाला मार्क्स कहना चाह रहा है, ये वाले मार्क्स कहना चाह रहा है। इसको यहाँ पर एज ए प्लूरल्स मार्क किया गया है मार्क्स। यस, एज ए प्लूरल्स मार्क किया गया द मार्क्स, तो इससे पहले आपका साथ में क्या आना चाहिए था, वर, अब वो यहाँ पर नहीं चलेगा आप लोग, बस ये छोटा सा एरर हो गया यहाँ पर थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अबाउट अलोइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, इट इज़ नेदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस। अब यहाँ चीज को समझना होगा गाइस बहुत ईजिली, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखना यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्टनेस को यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, और इज़ नॉट अबाउट अलोइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, ठीक है, इट इज़ नेदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस नोर इट इज़ नॉट इज़ इट। इज़ इट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बना देगा। पहली बात तो ये कि सेंटेंस के बीच में कभी भी इंटरोगेटिव फॉर्मेशन नहीं आ सकती। दूसरी बात ये,
आखिरी में फुल स्टॉप आ रहा है। क्या रहा है यहाँ पर आखिरी में? फुल स्टॉप आ रहा है। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है भी तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था, चूँकि यहाँ नहीं है तो यहाँ सेंटेंस में आपका इट इज़ होना चाहिए था, ये बात है। तीसरी बात ये भी है गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो नेदर नोर है ना, ये दोनों सगे भाई हैं बिल्कुल, और जब सगे भाई होते हैं ना दो, तो दोनों को सब चीज़ें सेम बिल्कुल एक जैसी चाहिए होती है। अब यहाँ पर इट इज़ आ रहा है तो यहाँ पर भी इट इज़ ही आएगा, ध्यान रखिए। तो सेंटेंस में यहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ से मतलब सेंटेंस के पार्ट थ्री में प्रॉब्लम है। शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, गाइस जो फ्रेजल वर्ब है पूरी वो है पिकअप, जो फ्रेजल वर्ब हमारी वो पिकअप है। शी पिकअप द ट्रेल, यस ट्रेल मतलब पदचिन्ह किसी के, शी पिकअप द ट्रेल मतलब शिकार के पदचिन्ह पहचानना। तो यहाँ पर ऑन नहीं आपका स्मार होना चाहिए था, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी, बहुत माइनर सी मिस्टेक थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs शुड प्रोवाइड अस, ठीक है प्रोवाइडर्स प्लूरल है, हालांकि मॉडल वर्ब पे इस बात का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट टर्म आ रखे ये भी ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रखा है ये भी ठीक है। विद ओपन नेटवर्क्स एंड शुड नॉट बैक ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट, शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट, क्या डिस्क्रिमिनेट का होता है? भेदभाव करना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट फॉर एनी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट के साथ में आपका फॉर प्रपोजिशन नहीं आया करता, ये ध्यान रखें। देखिए ये चीज़ें हैं गाइस, यहाँ पर ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी किस साथ में ये आना है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया हमारा यहाँ पर ऑफ आएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि ये रट्टे की हैं, यहाँ ग्रामर काम नहीं करेगी। कितने ही बड़े टीचर पर जाके आप ग्रामर पढ़ लेना, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर के है ही नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट किस चीज़ के हैं? रट्टे के हैं। अब टीचर के साथ में क्या समस्या आती है, टीचर के साथ में क्या फ़ायदा रहता है, सॉरी समस्या मतलब नहीं, हम लोग तो क्या है गाइस उस चीज़ को कई बार पढ़ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाती है कि यहाँ पर इसके साथ में ऑफ ऑफ आएगा या ऑन आएगा या फोर आएगा। कुछ क्या है कि टीचर्स की एक हैबिट बन जाती है इस तरह की, जैसे कि हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश में नॉवल पढ़ते हैं, अब अगर खबर भी पढ़नी तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, खबर देख भी रहे तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे सामने बार बार आ रही हैं। आप लोग हैं स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब आपका यह है तो ये आपके एक शौक नहीं है फिलहाल, जब शौक नहीं है तो आपको उस पर कमांड बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस पर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद कर लेना। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, तो यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग होगा, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड, कभी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे एज इफ या खाली इफ या आई विश या एज दो, कभी भी आपको चीज़ें दिखाई दें चारों, तो समझ जाओ कि सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ वर आएगा, सबके साथ में वर आएगा। ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड, वो मुझे ऐसे कमांड करता है जैसे वो मेरा हस्बैंड हो, यानी कि ना तो मेरा हस्बैंड है और ना ही कहीं बन सकता। देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मतलब बहन तो आपकी कोई बन सकती है, भाई आपका कोई बन सकता है, दोस्त आपका कोई बन सकता है, आप माँ किसी को बना लो या मान लो, बाप किसी को बना लो या मान लो, लेकिन वाइफ और हस्बैंड नहीं आप किसी को बना सकते या मान सकते भैया, जो मिल गई उसी में भरोसा आपको गुजारा करना पड़ेगा, ध्यान रखें आप लोग। यस अब आप मेरी तरफ मत देखना, यस तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा वर, क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ देखो, द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, अब क्या यहाँ ध्यान देना होगा, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज टू जेड, इंग्लिश हो गई चाहे हिंदी हो गई चाहे फ्रेंच हो गई, कोई भी भाषा अगर आप बात कर रहे हैं और उस भाषा से पहले आप आर्टिकल लगा रहे हैं, कोई भी आर्टिकल ए एन द, कोई भी आर्टिकल अगर आप लगा रहे हैं किसी भाषा से पहले, तो वो पूरी की पूरी जाति को इंडिकेट कर देगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेजों, अगर मैं कहूँ द हिंदी, तो द हिंदी का मतलब हो जाएगा हिंदुओं, अगर मैं कहूँ द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रांसिसियो, यस तो ऐसे वो पूरी जाति को इंडिकेट कर देगा जहाँ पर जो भी भाषा बोली जा रही है, द तेलुगु, तो तेलुगु वाले जितने भी लोग हैं सब उनकी बात हो रही है, तो ऐसे पूरी जाति को इंडिकेट कर देगा। तो यहाँ पर द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, तो यहाँ पर शुरू में द आएगा ही नहीं, ये ख़राब हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर हो जाएगी। दिस कंटेनर इज़ फुल विद, अब देखो मैंने कहा ना आपको चीज़ें समझनी नहीं पड़ेंगी और रट्टे भी लगाने पड़ेंगे, जो मिल गया उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। दिस कंटेनर इज़ फुल ऑफ नॉट वन,
विद नहीं आएगा, फुल ऑफ वाटर, फुल के साथ आता ही ऑफ है, सिंपल सा बात है। तो दिस कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। सो आई कांट कैरी इट, कांट के साथ फर्स्ट टर्म आ गई है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो, यानी कि ये कंटेनर बहुत भारी है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक लेके नहीं चल सकता हूँ। सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ एरर है, उसके बाद में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 59 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, अगर तुम अपना होमवर्क ख़त्म कर लोगे तो मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूंगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गाइस मॉडल वर्ब को लेकर के मैंने आपको दो रूल बताए हैं। दो रूल क्या बताए हैं कि एक तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट टर्म आती है। पहला रूल तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट टर्म आएगी। दूसरा रूल ये है कि गाइस कभी भी मॉडल वर्ब एक ही सेंटेंस में दो नहीं आ सकती, अगर एंड बट और से नहीं जुड़ा हुआ है तो। यस, एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब्स एक साथ नहीं आएंगी, मतलब नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। तो एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब अगर आपके आ जाएंगी तो आपको ये 11 वर्ड याद रखने हैं। बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इस बार क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, आप इन 11 वर्ड्स को लिख लो। कभी भी अगर डबल मॉडल वर्ब आएगी तो इन 11 वर्ड्स के बाद वाली मॉडल वर्ब को आपको हटाना है। उसमें आपका आएगा इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, When, before, after, whether, गिन लो, 11 हो गए होंगे। तो इन 11 वर्ड्स के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे, तो यहाँ पर ये विल आपका नहीं आएगा, इस तरह सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। कह रहा है कि हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। अब ये एक स्ट्रक्चर, एक कंडीशन सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर ये था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आ जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है इस कायदे में। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। और इसी स्ट्रक्चर को एक बार घुमा के दिया जाता है कि वो हैड जो है शुरू में लगाया था सब्जेक्ट से पहले, फिर हैड रह जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव भी रहेगा। वुड हैव मतलब वुड हैव ही रहेगा, ये नहीं कि अगर आपके मन में चल रहा है कि वुड शुड कुड माइट ये सारे एक ही फैमिली के हैं, नहीं है एक फैमिली के, ये वुड मतलब वुड, तो शुड भी नहीं चलेगा। सेकंड पार्ट में यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहाँ एरर थी। आगे बढ़े, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। देखिए सेंटेंस जुड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो फॉर्मेशन है वो ये है कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, ये तो बात है ही, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट ऑल्सो हर फादर, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जो वर्ब आएगी वो नज़दीक में जो सब्जेक्ट पड़ेगा उसके हिसाब से आएगी। नज़दीक में सब्जेक्ट पड़ रहा है फादर, फादर के हिसाब से वर्ब आएगी, तो फादर के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, या तो सेकेंड फॉर्म बनाओ, लेकिन पीछे सेंटेंस प्रेजेंट में चल है ही नहीं, खैर वर्ब तो पीछे, या तो पास्ट बनाओ फाउंड करो, ओके, या फिर इसे फाइंड्स करो। गलती तो है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकती है, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर, सेंटेंस में आ गया लास्ट। अब यहाँ देखना कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी है, यस, चीज़ें किस तरह से आपके सामने घूम घूम कर आएंगी और किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाएंगे ये एग्जाम में सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में चाह करके भी आप एरर नहीं लगा सकते। रूल क्या है कि सेंटेंस में अगर कभी भी आपको लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे अगर दिख जाए तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास बनेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा? सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ उसने हेड लगा दिया, अब मैं यहाँ पर हेड नहीं लगा सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर, यस। तो मैं अगर यहाँ तो काट देता हूँ उसको सेंटेंस को, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी अगर देखा जाए तो, यस। लेकिन सेंटेंस में फिर नोट कहाँ जाएगा? नोट आप लगा नहीं सकते डायरेक्ट, अगर नोट लगाना है तो मुझे यहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा, और डिड लगाऊंगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए फिर, तो ये प्रॉब्लम हो गई गाइस। अब ऐसा नहीं कि मतलब ये प्रॉब्लम, भले मैं मानता हूँ चलो एग्जाम में नहीं आई होगी, बुक के अंदर ही मिसप्रिंटिंग हो गई होगी ऐसा मान लेता हूँ मैं, लेकिन कुल मिला के बाद गाइस ये है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मेरा बच्चा है जो फोर्थ क्लास में पढ़ता है और बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का एक बहुत ही शानदार स्कूल है। अब क्या है गाइस, जब स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो टीचर्स भी बड़े फ्लो के साथ में इंग्लिश बोलती हैं और लोगों को लगता भी है कि जब बोल रही हूँ तो सही बोल रही होंगी,
अभी स्कूल से एक नोटिस आता है गाइस, तो मैंने उस नोटिस के अंदर जो है बहुत सारे मिस्टेक निकाल के उनको भेज दी, क्योंकि ये मेरी हैबिट बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि मेरे डे मुझे बताना चाहिए, मतलब मैंने किसी इंटेंसिटी से नहीं के बेइज्जती हो किसी की, बस बताना चाहिए। मैंने बता दी तीन चार मिस्टेक मैंने छोटे से नोटिस के अंदर बता दी। नोटिस भी क्या था कि मतलब कि ऐसे ऐसे करके एग्जाम शुरू होने वाले हैं 20 तारीख से, बस खत्म बात। ये था नहीं, पीटीएम का नोटिस था, सॉरी कि पीटीएम है इस तारीख तक, इस टाइम से इस टाइम, इस क्लास से इस क्लास की, बस छोटा सा नोटिस था ये। उसके बाद में मैडम का रिप्लाई आता है कि आई डिंट गॉट, ये मैडम का रिप्लाई था। तो मैंने मैडम को बताया, मैडम इसमें भी गलतियाँ हैं दो, क्योंकि डिंट के साथ में एक तो फर्स्ट मान ली, गॉट नहीं गेट आएगा, दूसरी बात क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा। यस, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ किसी बोल सकती ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको सुधारना ना छोड़ बोलने, मतलब ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं, मतलब कुल मिला के बाद मैंने आपको इसलिए बताई है। आप अब क्या होता है, सेल्फ स्टडी में यही प्रॉब्लम आती है। अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो क्या होता है गाइस, आप लोग तो भरोसे में रहते किसके, किरण के बुक के। आपको लग रहा है किरण बुक है तो भैया गलती तो हो ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात है, तो आप लोग तो ये पढ़ लेंगे और आप यही चीज़ रट लेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको नुकसान हो सकता है ना। तो ऐसा मत करना कभी भी अपने हाथ में। यस, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, सेल्फ स्टडी बेहतर है लेकिन टीचर का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। टीचर यूँ ही थोड़ा ना बने, फिर तो टीचर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सेल्फ स्टडी से पढ़ लेंगे सब बच्चे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ ही प्रॉब्लम है, फिर यहाँ ही प्रॉब्लम है। तो सेंटेंस में अभी आप कुछ भी कर लो, चाहे आप फर्स्ट पार्ट लगा लो, चाहे आप सेकंड पार्ट लगा लो, चाहे आप थर्ड पार्ट लगा लो, चाहे आप नो ओवर लगा लो, जो आपका मन करे वो लगा लो सेंटेंस में। ये सेंटेंस ठीक नहीं हो सकता, कुल मिला के बात ही है। अगर ये सिलेबस यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो सेंटेंस ठीक हो जाता। मैं से डिड करता, नोट था ही, फिर फर्स्ट वो बना देता मैं। लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं आप लोग, जो मर्जी करें। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका अराइवल टाइम आई शैल गो टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। कह रहे हैं कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी, ठीक है, इन यू के साथ में इन्फॉर्म आ गया, ऑफ कनिका अराइवल टाइम आई शैल गो टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। आई शैल गो, ठीक है, मैं जाऊँगा, टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। अब गाइस यहाँ पर सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है देखते हैं ध्यान से। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका अराइवल, ठीक है, नाउन है, टाइम आई शैल गो टू, ठीक है, टू के फर्स्ट नंबर रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। सेंटेंस करेक्ट है भैया, नो एरर। अब यहाँ ध्यान देना, अगला सेंटेंस आ गया आपका हार्डली से, हार्डली और स्कार्सली, ये दो वर्ड हमारे ऐसे तो बहुत सारे वर्ड, हालांकि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली, सेलडम, फ्यू, लिटिल, ये सब ऐसे वर्ड है जो ऑलरेडी नेगेटिव है। यस, इनके हाथ में कभी नोट वगैरह नहीं आया करता है। तो हार्डली आ गया आपका शुरू में, ठीक है, हार्डली के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, वो भी आ रखी है। फिर सब्जेक्ट आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। हार्डली का जो पेयर बनेगा वो बनेगा वैन से, बस ये गलती हो गया आपको, यहाँ देन दे रखा है, क्या पता देन नहीं, आपका होना चाहिए था वैन, तब सेंटेंस क्रिएट होता, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। ओके गाइस, बस सिंपल सा एरर है यहाँ पर तो। बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, डिमांड्स फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट टू कॉपर आर लेसनिंग। बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, ठीक है, कॉपर के प्राइस जो हैं वो गोइंग डाउन, यानी कि डाउन जा रहे हैं। डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर, डिमांड फॉर कैसे, यहाँ पर डिमांड क्या है हमारा सिंगुलर, फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स खत्म, टू कॉपर खत्म, क्यों खत्म, प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ डिमांड के हिसाब से आपका आर नहीं इज होना चाहिए था, इज लेस नहीं, तो डिमांड जो है कम हो रही है मेरे, डिमांड कम हो रही है ना, और तो कुछ नहीं कम हो रहा ना, तो यहाँ पर इज आएगा। द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू द सिचुएशन। CEO ने डिसाइड किया है, ठीक है, यहाँ से आपके साथ थर्ड फॉर्म भी आ गई है, ये भी ठीक है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो, ठीक है, इवनिंग टू रिव्यू, यहाँ प्रॉब्लम है, टू रिव्यू के साथ में आपका ऑफ नहीं आएगा। रिव्यू का मतलब ही होता है किसी चीज़ की, जैसे किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, तो का की के का सेंस यहाँ पर ऑलरेडी अंदर है, तो आपको यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। नेहा इज़ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर बट हर डिज़ाइंस आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। नेहा इज़ अ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, बट हर डिज़ाइन इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल
बाय द पब्लिक या फॉर द पब्लिक, यहाँ पर विद द पब्लिक नहीं आएगा आपका, प्रॉब्लम यहाँ पर आपके, यस यहाँ पर बाय द पब्लिक या टू द पब्लिक या फिर फॉर द पब्लिक। वैसे सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर टू लगाएं, यस बस ख़त्म बात हो जाए, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं 68 पे। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम्स लाइफ वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन इन द कोर्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम्स लाइफ, ठीक है, वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन इन द कोर्स ऑफ, नहीं टू द कोर्स, तो आपका यहाँ पर डेडिकेशन के साथ माना था टू, जो फिक्स है, बस यही हो जाएगी आपकी एरर, ये नहीं टू आएगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो, इन्वेंशन के साथ में हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, ओ का नहीं, जितने भी इन्वेंशन है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, टीवी, जो भी है ए टू जेड, सबके साथ आप लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पार्ट में एरर है। When the professor are on strike and a notice to this effect is pasted on the university gate, there is no sense to go there. याद ध्यान देना, when the professor, ठीक है, professor बहुत सारे हैं, आर लगा जाए, आर ऑन स्ट्राइक एंड अ नोटिस इज दिस टू दिस इफेक्ट, ठीक है, इज पेस्टेड, क्योंकि नोटिस के हिसाब से आ रहा है बार भी वाली, पेस्टेड मतलब चिपका देना, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ऑन द यूनिवर्सिटी गेट देर इज नो सेंस, तो क्या नो सेंस के बाद हमेशा नो सेंस के साथ हम लोग हमेशा जीरण का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर गो नहीं, गोइंग होना चाहिए, नो सेंस इन गोइंग देयर या टू गोइंग देयर, वैसे टू नहीं अच्छा हुआ कि इन गोइंग कर लो, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। रोशनी ऑलवेज वांट, ये वैसे गलत हो गया, रोशनी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगाएंगे, या तो इसे वांट्स करूँ तब प्रजनन बन जाएगा, या वांटेड करूँ तो पास चल जाएगा, हालांकि वांटेड ना करूँ तो अच्छा होगा, बिकॉज आगे सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, तो अच्छा होगा कि मैं से वांट को वांट्स कर दूँ, सेंटेंस अपना आप ठीक हो जाएगा। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हर, रोहन की मम्मी ने, तो यहाँ पर का की के की आपको आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, हालांकि मैं मानता हूँ कि अगर ये मिसप्रिंटिंग है, अगर ये मिसप्रिंटिंग है मेरी तरफ से हो सकती है, ऐसा नहीं कि किरण की तरफ से ही होगी, क्योंकि मैंने भी टाइपिंग किया है इनको, तो रोहन्स मदर ऐसा होना चाहिए था, रोहन की माँ, और हो सकता है मेरी मिसप्रिंटिंग, अगर ये मेरी फिर मिसप्रिंटिंग है तो मैं इसको एरर नहीं मानता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिलेगा ना आपको, ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलती को एरर गलती नहीं मान रहा हूँ, गलती मान लो अपनी गलती को भी, मेरी मिसप्रिंटिंग है, कुल मिला के बाद ये कि मिसप्रिंटिंग एरर को बुक के अंदर एरर नहीं माना जाता है, कुल मिला के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मक्को की मानी मिलेगी ना आपको एरर कोई भी इस तरह की, तो रोहन्स मदर, ठीक है, एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली, नहीं यहाँ पर लेट होगा, क्योंकि बड़ी एरर ये थी, लेट एट नाइट। आई इंसिस्टेड बट नेदर परवीन, ये तो सेंटेंस नेदर के साथ में नोट चलता है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग, तो क्लेवरर तो कंपेरेटिव हो गया, अम्यूजिंग से पहले आपका यहाँ पर मोर आना चाहिए था, क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग, सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था जो कि सेंटेंस में नहीं है, तो सेंटेंस में यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, अपने ऑफिस पर समय पर पहुँचने के लिए रोहन को भागना पड़ता है, ये कही है मतलब मजबूरी है उसकी टाइम पर पहुँचने के लिए, उसको भाग के जाना पड़ रहा है, तो रोहन हैज टू जॉग, इसे बोलते हैं कंपल्सन रूल, यस, तो फिलहाल यहाँ सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में एरर है। और कैसे अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लग रहा हो कि ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दें। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।